दोस्तों, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप सोच रहे हैं टाइपिंग कैसे सीखा जाए और जो कि एक कंप्यूटर पर कीबोर्ड की मदद से ही संभव होता है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और आप सोच रहे हैं कि टाइपिंग को हम कैसे सीख सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कंप्यूटर की मदद से आप किस तरह से अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं। जो अच्छी टाइपिंग सीखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि बगैर कंप्यूटर के आप कैसे अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल से, जो कि आपका मोबाइल है वो ही आपका कंप्यूटर बन सकता है। अगर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी नोट्स के बहुत ही अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं और आप अपने मोबाइल से प्रोफेशनल टाइपिंग सीख सकते हैं। जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर 35 से 40 WPM मतलब वर्क पर मिनट की जरूरत होती है, जबकि 41 से 70 WPM के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो कि आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से टाइपिंग करके सीख सकते हैं। और ये आपको मैं करके बताऊंगा कि आप मोबाइल में किस तरह से यहाँ पर टाइपिंग सीख पाएंगे। तो साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो आप टाइपिंग सीखेंगे तो आपको एक कीबोर्ड की जरूरत होगी, तो जिसमें अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं, लगभग आपको 5 सेक्शन होते हैं इसमें। तो आपको जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ फंक्शन की हैं जो कि कॉमन होते हैं, और यहाँ पर जो टाइपिंग सेक्शन होता है कुछ स्पेशल की होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, तो इन चीज़ों की जरूरत होती है, और डायरेक्शन की यहाँ पर जो दे रखे हैं, तो इन चीज़ों की आपकी जरूरत होती है। आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ, और आप बहुत ही अच्छी तरह से टाइपिंग सीख पाएंगे, और आप माउस की मदद से भी आप दोनों चीज़ें आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर हमारे आई कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं कि माउस और कीबोर्ड को वहां पर कैसे कनेक्ट करते हैं और आप मोबाइल में यूज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही सब आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही फायदा होगा और आप बहुत ही अच्छी ज़्यादा टाइपिंग सीख पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है उसको दबाएं, और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, तो वहां पर आप टाइप करके हमें बता सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो। तो चलिए वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट करके और माउस को कनेक्ट करके आप टाइपिंग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए किसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि एक आपको कीबोर्ड की जरूरत होगी, और दूसरा आपको यहाँ पर एक माउस दिख रहा है, तो माउस की जरूरत होगी, और साथ में यहाँ पर आपको एक जो डिवाइस दिख रही है, ये OTG बोलते हैं इसे, कुछ इस तरह से दिखती है, आपको अलग अलग तरह से मिल जाएगी। यहाँ पर साइज अलग अलग अवेलेबल होते हैं, तो जैसे भी आप क्वालिटी का ले, तो एक OTG आपको ले लेनी है, और साथ में आपका जो कीबोर्ड और माउस है तो USB टाइप ले लीजिए, और आप इसको यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये USB टाइप जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, उसको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, अभी इसे नीचे रख देता हूँ, और यहाँ पर जो आपका मोबाइल है तो आपको इसमें ही मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये आप किस तरह से आपको जो भी डाटा है या कोई भी है, रिज्यूम है, डॉक्यूमेंट आराम से बना सकते हैं टाइप करके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको OTG बताई है यहाँ पर, तो आपको OTG यहाँ पर ले लेना है, और OTG लेने के बाद आपको मैं अभी एक है, अगर आप दोनों एक साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मल्टी USB पोर्ट ले लेना है यहाँ पर डिवाइस, तो उसमें आप एक साथ दो कर पाएंगे। तो मैं आपको सिंगल सिंगल करके दिखाऊंगा अभी, तो आप किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है और साथ ही ये, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे लगा लीजिए, तो मैं इसको इधर घुमा के इस तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपको इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेना है आपस में। उसके बाद आपके मोबाइल में आपको इस तरह से ले लेना है, और जहाँ पर आपका यहाँ पर पोर्ट दे रखा है इसमें आपको लगा देना है, तो ये यहाँ पर नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है आपको, तो मुझे इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। इसमें लगाने के बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, तो आपको मोबाइल की सेटिंग जहाँ पर है तो जा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास जो मोबाइल है उसमें आपको ऊपर से भी हर मोबाइल में मिल जाएगा सेटिंग ऑप्शन कॉर्नर से, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग का ऑप्शन ऊपर ही कर रखा है, तो मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में आ जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो कि आपकी OTG आपने लगाई है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट तब होगी जब आप अपने मोबाइल के अंदर OTG का ऑप्शन ऑन कर देंगे।
तो उसे अभी ऑफ होगा, तो मैं यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको चले जाना है, या एडवांस सेटिंग करके ऑप्शन आएगा उसमें जाना है। और अगर आप वीवो वगैरह का फ़ोन करते हैं तो आपको वहाँ सेटिंग में खोलते ही यहाँ पर लगभग OTG का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाता है। अगर आप ओप्पो वगैरह यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर अंदर के साइड में मिल जाएगा, जो कि एडिशनल सेटिंग में या एडवांस सेटिंग में मिलेगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। तो जैसे कि मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ फोकस आ रहा है, तो आपको ये ही OTG का ऑप्शन मिलेगा, तो कनेक्शन का, तो OTG कनेक्शन आपको ओपन कर देना है। जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर एक ट्विन बज जाएगी या ऊपर सैम्पल आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, उसको नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है फिजिकल कीबोर्ड, तो इस पर मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपको ऑफ मिलेगा। तो डिस्प्ले वर्चुअल कीबोर्ड तो यहाँ पर है, तो इसको आपको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर आप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से आपको इसे ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद आप यहाँ को बैक जाना है। तो आप किसी भी डाटा को अपने मोबाइल में कैसे टाइप करेंगे या सर्च करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया आपको गूगल सर्च बार में आपको मैं सर्च करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास गूगल सर्च बार का ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली किसी ब्राउजर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोम दिया है तो क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अपने मोबाइल का यहाँ पर इंटरनेट ऑन कर लेना है। तो ऑन कैसे आप करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मोबाइल इस तरह से रख दिया है, और आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लेना है। अगर आपके पास वाईफाई तो वाईफाई, नहीं तो ऑन कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना वाईफाई है तो उसे कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका मोबाइल रख लेना है। और आपको जैसे कि मोबाइल को इस तरह से रखने से पहले आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में एक मोड होगा, उसे आपको एक्टिवेट करना है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पोर्ट्रेट लॉक है तो उसे हटा देना है। और इससे क्या होता है, आप अगर पोर्ट्रेट लॉक लगा के रखेंगे तो आपकी डिस्प्ले जो मोबाइल की सीधी ही रहेगी, तो आपको उसको हटा देना है। और ग्रीन है तो आपका वहाँ पर वाइट हो जाएगा, तो इस तरह से ही आपको करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सर्च बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए तो ये इस तरह से घूम जाएगा। तो आपको इसी तरह से ऐसे ही कर लेना है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टाइपिंग सीख सकते हैं। आप यहाँ पर बगैर कंप्यूटर बगैर नोट्स के यहाँ पर आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल सर्च में क्लिक कर दिया है, तो आपको इस गूगल सर्च में जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस पर आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको वही टाइप करना है। तो जैसे कि, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करने से पहले अगर आप माउस भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो माउस कुछ इस तरह का है। तो आपको कनेक्ट कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, और आपको दोनों ये चीज़ें एक साथ मोबाइल में कनेक्ट करनी है। तो मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर पोर्ट चाहिए होंगे, जिसमें दो पोर्ट हो, तो आप ऐसी डिवाइस खरीद सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसका कनेक्शन निकाल देता हूँ, कीबोर्ड का जो मैंने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन यहाँ पर निकाल देता हूँ कीबोर्ड का। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको निकाल दिया है, और इसको निकालने के बाद तो इसे मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। और अब मैं आपके सामने यहाँ पर जो माउस है उसका यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो माउस के लिए आपको इसी तरह से लगा लेना है, आपका USB होना चाहिए और इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसको देख लेना है आपके जैसे सेट होगा, तो इस तरह से इसे पकड़ के आराम से लगा लीजिएगा। जब जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो आपका यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आपको कर्सर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप माउस का भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर अभी एक ही अवेलेबल है, तो OTG, तो यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया। अगर आप चाहते हैं अभी, तो जब मैं टाइपिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं माउस का भी यूज करना साथ साथ तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है कि किस तरह से यूज करते हैं माउस का, तो आप मेरे ऊपर आई कार्ड में जो वीडियो का लिंक आ रहा है तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि माउस का किस तरह से यूज करते थे, चाहे आप किसी भी वेबसाइट वगैरह किसी भी यूज कर सकते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इसे निकाल देता हूँ और डायरेक्ट आपको कीबोर्ड का कनेक्शन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कीबोर्ड आ गया। तो आपको अपने मोबाइल का कीबोर्ड हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर ऐसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिख देना है टाइपिंग, और इसके बाद साथ में ही आपको स्पेस नहीं देना है, टाइपिंग टेक्स्ट यहाँ पर लिख के आपको एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से ही टाइप किया, तो आपको यहाँ जो डायरेक्शन सेक्शन दिख रहा है तो इसकी मदद से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है तो आपको यहाँ typingtext.com पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ रहा है, तो उसे मैं हटा देता हूँ। तो इसे मैंने हटा दिया है यहाँ पर, और डायरेक्टली हम साइट पर पहुँच जाएंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर टाइप करने के बाद एंटर कर देना है, और उसके बाद आ जाना है। तो यहाँ पर टाइपिंग टेक्स्ट का आपको यहाँ पर साइट है, तो इस पर आपको आना है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिनट और 3 मिनट 5 मिनट जैसा भी आपको लगाना है
उतना लगा सकते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट का है मोड दे रखा है, तो आपको मैं यहाँ पर इसे ही सेट करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ 5 मिनट मैं लगा देता हूँ, अगर आप माउस कनेक्ट करते हैं तो माउस की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। तो 5 मिनट मैंने लगा दिया है और यहाँ पर टेक्स्ट का मोड कर दिया। तो इसके बाद नीचे आपको स्टार्ट टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो इसे करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेना है और इसको अपने मोबाइल के कीबोर्ड को हटा देना। और यहाँ पर जो आपके देखिए यहाँ पर एक मैटर आपको लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको जैसे कि ये ब्लू है, जो भी आप लिखते जाएंगे तो आगे आपको ब्लू आता रहेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ही आपको टाइप करना है, आपको यहाँ पर किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से टाइप कर सकते हैं, आपको किसी बुक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट कर देंगे और जितना चाहें आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आप जैसा भी टाइम लगा सकते हैं अपने अनुसार, और बहुत ही अच्छे से आप टाइपिंग सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, और उसके लिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड पे अपने हाथ रखना है और इस तरह से आपको सेम टू सेम टाइप करते चले जाना है। तो बर्ड आपने देख लीजिए जैसा है, और उसका देखते हुए आपको वैसे ही सेम टू सेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूँ आपको, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ही आपको जैसे स्पेलिंग है, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो अगले आप ब्लू होती चला जाएगा जो भी बर्ड है आगे लिखने का। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आपको बैक भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है और आप ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ टाइप करते जाएंगे तो इस तरह से आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना चाहें वहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर देखिए टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डाटा टाइप होता जा रहा है। तो जितना आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर ब्लैक होता जाएगा, ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप करते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको वो जो भी है यहाँ पर जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना आपके लिए सही रहेगा, और टाइपिंग सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर किसी भी मैटर को टाइप करके जल्दी जल्दी यहाँ पर सीख सकते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा टाइपिंग सीखने का जो मेथड है वो आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, और बहुत ही आसान होगा आपको यहाँ से सीखने के लिए, क्योंकि आप जितने बार ज़्यादा जल्दी जल्दी स्पीड में टाइप करेंगे तो आपका जो टारगेट है आप वो अचीव कर पाएंगे, जो 30 से 40 है। और वैसे पूछते आपको 45 से 70 हैं, तो आप 30 से 35 के बीच में अगर टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके लिए जॉब में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।